यहाँ पे तरेट हो रही है, देखो 26 जनवरी प्रोग्राम शुरू है। प्रोग्राम थोड़ी ना कराएंगे कहते हुए, इसीलिए किसी को नहीं बुलाया इस बार। कैसी लग रही है यार, तेल में लगाती ही नहीं हूँ, बाल बहुत निकल गए, कुछ नहीं लगाती हूँ। आंवला का बहुत हल्के हो गए बाल, पूरा टकला दिखने लगा है। मेरे ही बाल निकल रहे, वो लोग लगाते हैं नारियल, मुझे नारियल नहीं पसंद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह की आप सभी लोगों को जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी, सुबह के बजे हैं 9:05। मैंने अभी भी 3-4 राउंड मारे, बैठ के सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूं और ब्लॉग भी शुरू कर दूं। वहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम 26 जनवरी का। सुबह की धूप करती है बहुत ज़्यादा फ़ायदा, तो मैं बैठ गई धूप में, सोचा थोड़ी धूप ले लूं बैठ के। सुबह की धूप लेना बहुत अच्छा होता है, थोड़ी देर और बैठूं। अभी वहाँ पे 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा है शुरू, तो चलते हैं हम भी और आप लोग भी हो जाना शामिल। टाइम हो गया है, सभी लोग आना शुरू हो गए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बिल्डिंग में बड़े अच्छे से मनाया जा रहा है, आज के दिन तो सब जगह ही मनाया जाएगा, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया सुबह से आई हुई गार्डन में, लेकिन वक्त पता ही नहीं चला। आज का दिन रहा बहुत ज़्यादा अच्छा। नीचे गार्डन में सेलिब्रेट करते करते कितना 1.5-2 घंटे हो गए। 8 बजे के लगभग मैं गार्डन में गई थी वॉक करने, सुबह वॉक करती रही, फिर उसके बाद नीचे तैयारी चलने लगी झंडा फहराने की। फिर मैं सोची भी जाती नहीं हूँ, इन्जॉय करके ही जाती हूँ, फिर मैं उसमें शामिल हो गई। राष्ट्रगान वगैरह होता रहा और फिर गाना वगैरह गाए, इन्जॉय किया, फ़ोटो खींची, तो अच्छा लगा। यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, लोखन की कढ़ाई में कटहल की भाजी, बड़ी टेस्टी लगती है। और सीजन की सब्जियाँ तो सभी टेस्टी लगती हैं। सब्जी छोंक दी मैंने, तेल डाला, फिर मैंने उसमें प्याज लहसुन का पेस्ट बना के डाला, भुन गया, सारे मसाले छोड़ दिए नॉर्मली, धनिया मिर्चा हल्दी नमक, कटहल डाल के उसमें 4 आलू डाल दिए मैंने गोद के सजे, ताकि जिसको कटहल ना पसंद आए तो वो आलू से खा लेगा। थोड़ा सा पानी छोड़ूंगी, मीडियम आँच पे पकने दूंगी और बीच बीच में चलाती रहूंगी ताकि जल नहीं जाए। यहाँ पर मैं किचन कर ले रही हूँ साफ, और जो बर्तन सब्जी काटने के छोंकने के हैं ना, वो निकाल के धो के रख दूंगी, इकट्ठे नहीं करूँगी, नहीं तो फिर बाद में खुद को भी गुस्सा आने लगती है अगर किचन में बर्तन भरे रहें और किचन फैली रहे, फिर मज़ा नहीं आता खाना बनाने में। बीच बीच में सब्जी चलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्जी के मसाले अगर जलने लगेंगे ना, फिर सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं अभी आटा गूंद के रख दे रही हूँ थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि गूंद के रख दो फिर रोटी बनाओ तो रोटी भी नरम बनती है। सब्जी बन चुकी है, ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाई है और कलर भी आप लोग देख सकते हैं सब्जी का, बहुत टेस्टी बनी थी। अभी इसमें डाल दे रही हूँ गरम मसाला। तो इस वाले वीडियो का यहीं पे कर देती हूँ एंड, आप लोगों को मिलूँगी अगली वाली वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। हैप्पी रिपब्लिक डे, आप लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय।